मेरी स्थिति जो काम के दौरान काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी सीज़न भी है, काम का रश भी है। और ये देखें आपकी ये जूम करें कैमरा मैन अगर, तो बता दें ये देखें किस तरह से चलती है, काली हो गई है। अब इसको साफ कैसे करना है मैं आपको तरीका बताऊँगा, जो जेन्युइन तरीके से प्रोफेशनल तरीके से कारीगर लोग जो टेलिंग के रेलिवेंट लोग हैं वो आपको बताऊँगा वो कैसे करने हैं। प्लीज़ जितने भी नए लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल इनको टी वी मित्रों को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ सपोर्ट करें। मैं आपको ऐसी ऐसी काफ़ी शार्ट ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको बहुत सहूलत मिलेगी, आपको जो काम के दौरान वो हेल्प मिलेगी। आपको वो तरीका बताऊँगा जो कमर्शियल तरीके से हम इसकी सफाई करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा कि इसमें ना तो आमतौर पर बताया जाता है कि यार आप कई बंदे इसको ऐसे रगमार के साथ इसको साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो ये रगमार से साफ़ हो गया, अगर रगमार से करेंगे तो ये देखें ये इस तरह ख़राब हो, इसके ऊपर खराशी आ जाएंगी और ये कपड़े के ऊपर एक शाइन होती है, उस शाइन को ये उठा लेगी, जैसे इस कपड़े के ऊपर एक शाइन है, अगर इसके ऊपर हम ऐसे जब लाइने पड़ जाएंगे उठाएँगे मारेंगे तो उस शाइन को ये ख़राब करेगी। और प्रोफेशनल तरीका ये गलत है। कुछ बंदे ये पेस्ट का यूज़ करते हैं, पेस्ट लगाते हैं ऊपर, ब्रश से टूथब्रश जो होता है उससे साफ़ करते हैं, लेकिन यार वो टाइम लगता है उस पर। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी बाइक का अगर दिल दुखे इस बात से तो वो माजर, लेकिन उससे टाइम लगता है। मैं आपको वो प्रॉपर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा, कई बंदे सोडे से साफ़ करते हैं इसको कि यार ये सोडा ले लो, सोडे से कर लो, या कई बंदे लीमू का यूज़ करते हैं, लेमन लेके उसको करते हैं, लेकिन वो भी यार वो लॉन्ग टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सीज़न है, ऑर्डर है, काम देने वाले होते हैं, मसूलियत होती है, टेलर हैं। तो ये कोई भी घर वाली इस्त्री हो सकती है, दुकान की इस्त्री हो सकती है, किसी भी मैन माई या घर में काम करने वाला बंदा ही किसी भी टाइम इस्त्री चल सकती है, ख़राब हो सकती है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा, अब करना ये है कि ना तो लेमन का यूज़ करना, ना ही टूथब्रश का, टूथपेस्ट का यूज़ करना आपने, ना ही किसी रेगमार का यूज़ करना है आपने, ना ही किसी पत्थर पट्टी का यूज़ करना, ना ही नमक का यूज़ करना है आपने, ना ही रेत का यूज़ करना है आपने। एक आसान ट्रिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, अगर आप बात सुनेंगे, गौर से देखेंगे, तवज्जो देंगे, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा, आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। तो आज देखिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको बताता हूँ वीडियो लमके। ये जो मेरे हाथ में है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक इसको बोलते हैं समुद्री जाग, ये किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल सकती है, ईजी मिल सकती है ये, और इतनी महंगी भी ये चीज़ नहीं है, आप किसी भी पंसार भाई के दुकान पे जाके आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ये मैक्सिमम ये 40-50 रुपए की आपको इजी मिल जाएगी। इसको समुद्री जाग बोलते हैं, ये समुद्री जाग, ये देख लें, गौर से देख लें, इसकी शक्ल देख लें, ये ऐसे होती है। इसका करना क्या है, समुद्री जाग आपने सिर्फ लेनी है, समुद्री जाग ले के इस्त्री को करना है गर्म, ये रखे मेरी इस्त्री अब हो गई है गर्म, ये देख लें मैंने लगाई हुई थी, क्योंकि मैंने अभी साफ़ करना है, मैंने अभी फॉर्म करना है, तो इसको फुल पहले आपने गर्म कर लेना है, हाथ बचाने हैं, हाथ का अपने बचा कर रखने हैं, क्योंकि इस्त्री जब गर्म होगी तो लाजमी बात है वो थोड़ा सा आपका वो जलना शुरू करेगा, हाथ की आपने सेफ्टी करनी है। ये देखें ये गर्म हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें कैमरा मैन अगर दिखाएं आपको तो ये देखें आपको फुल पानी कैसे जा रहा है, फुल गर्म कर लिया आपने। अब ये ऐसे जाग को उठाना है और समुद्री जाग को ऐसे इसके ऊपर ऐसे मलना शुरू कर देना है, ऐसे बिल्कुल सेफ है, कोई हाथ नहीं जलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे तीन उंगलियों से इसको आपको पकड़ लेना है। ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें आपने ऐसे पूरी इस्त्री की सतह के ऊपर मारना है इसको, ये देखें इसको 2-3-4 मिनट ऐसे करते रहना है। अच्छा, ये अब इससे थोड़ी ठंडी हो गई है, ये देखें ये हो गया। अब इसको आपने ऐसे टेबल के कपड़े को प्रेस कर लेना है, या फिर आपने एक कपड़ा ले लेना है, कोई भी हाँ रफ्तार कपड़ा ले लें,
उसे आपने ऐसे इसको करना है। ये देखें व्यूअर्स, इसको भी देख लें इसकी हालत क्या हो गई है। इसने सारी जो मैल थी इसने उठा के अपने ऊपर ले ली है, और ये सतह देख लें साइड से काफ़ी ज़्यादा हद तक ये साफ़ हो गई है। अब बीच बीच में ये थोड़ी सी रहेगी, इसको मज़ीद मैं थोड़ा गर्म करूँगा, क्योंकि गर्म करने से ही ये साफ। ये मैंने इसको ऐसे इसी की मदद से मैंने ये सारा, ये देखें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। देखिए यार, देखें आपने अपनी एहतियात पहले करनी है। ये डायरेक्ट इस्त्री है, ये ख़तरनाक है, इसको आपने उतना गर्म करना है जितना ये बर्दाश्त कर सकें आप, ठीक है। और अगर जिनके लोगों के पास उमूमन घरों में औरतों के पास चलेंगे, जो लेडीज मेरी माए बहने काम करती हैं, उनके पास तो दूसरी इस्त्री जो होती है जो ऑटोमेटिक होती है, उसको आपने बस एक दफ़ा छः पे रख के गर्म कर लेना, ऑटोमेटिक फिर हो जाएगी वो, उसका खतरा नहीं रहता। ये देखिए मैंने जिसने मेरे से अभी टाइम शार्ट है, अगर मैं मरीज़ इसके ऊपर मेहनत करूँगा बिल्कुल नहीं, जैसी ये हो जाएगी